हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो इंट्राडे के लिए, सेकंड डे के लिए, समझो आज एक दिन हो गया है पूरा ट्रेडिंग का, मार्केट बंद हो गया। उसके बाद में कल के दिन के लिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे, वो भी सिर्फ 4 लाइन से आप हम ड्रॉ करना सीखेंगे आज। क्योंकि क्या होता है, समझो आज के दिन हमने कोई एंड ऑफ द डे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए लाइंस बना के रखी, तो होता क्या है, दूसरे दिन पता नहीं चलता है मार्केट गैप अप खुलने वाला है या गैप डाउन खुलने वाला है। तो इसको सबसे आसान तरीके से, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बनाना सबको आता है, मैं उम्मीद करता हूँ सबको आता होगा, या जो बिगिनर्स होंगे या जिनको बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं है, जो इंट्राडे करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो या जो भी स्टॉक्स हो या जो भी इंडाइसिस हो, उसमें अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 4 लाइन से, वो भी मार्केट खुलने से पहले सिर्फ 5 मिनट में, आप वो सपोर्ट रेजिस्टेंस उस दिन के लिए, कौन से सपोर्ट काम करने वाले हैं या कौन से रेजिस्टेंस लगने वाले हैं, वो आप बना सकते हो सिर्फ 5 मिनट में, वो भी मार्केट खुलने से पहले। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और वो भी आप सिर्फ 4 लाइन ड्रॉ करनी है, बस आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर जाएंगे। और उसमें कंडीशन अगर होता है कि मार्केट गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन खुल रहा है, तो उसके लिए भी प्रोविजन है, मैं आपको सिखाऊंगा वो किस तरीके से ड्रॉ करना है। और ये जो छोटी सी चीज़ है, मैंने देखा है बहुत सारे कोर्सेस में इसको बेचा जा रहा है, उसके लिए लोग पैसे देने के लिए तैयार है, कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे के लिए कैसे ड्रॉ कर सकते। तो मुझे लगता है ये कोई पैसे देके सीखने वाली चीज़ नहीं है, ये बेसिकली जो बिगिनर्स हैं उनको भी आना चाहिए, जो विदाउट पैसे खर्च किए हुए आप सीख सकते हैं। ये मेरे चैनल पे मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस 4 लाइन में, सिर्फ 4 लाइन में कैसे ड्रॉ करना है। इसके लिए आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए पैसे दे। मैंने देखा है ये, मतलब है एक नॉर्मल, कोई रॉकेट साइज नहीं है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स जो है, बिगिनर्स जो है, उनको समझ में नहीं आता है कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री में मैं आज सिखाने वाला हूँ आपको। बस आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर कमेंट चाहिए चैनल को, तो मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ और आपको ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प कर सकूँ। तो चलिए हम सीखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं सिर्फ 4 लाइन में। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। तो ये जो है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, लाइव मार्केट अभी चल रहा है, आज 23 अगस्त है, तो ये चल रहा है लाइव मार्केट। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, समझो आज का दिन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, ये 9:15 का कैंडल है, 9:15 का। तो इस दिन ये जब मार्केट बंद हो गया, तो उस दिन आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, ये जो दिन चल रहा है आज का, इस दिन के लिए, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये है, ये पूरा आज का दिन है, ठीक है। और ये वाला जो है, ये है कल का दिन, जहाँ पे हमें पता नहीं था, इसको हम ढक देते हैं इस तरह से। अब ये दिन है, ये समझो ये 3:15 पे मार्केट बंद, 3:30 को मार्केट बंद हो गया है, ठीक है। तो जैसे मार्केट बंद हो जाएगा, तो आपको ये 5 मिनट का चार्ट लेना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, सिंपल है, सिर्फ 4 लाइन ड्रॉ करने हैं आपको। आपको ये देखो, 4 लाइन्स कहाँ पे ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले आपको लेना है डे का हाई, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरी कैंडल लेनी है, जो सबसे जो लो लगा है उस दिन का, उस कैंडल का जो लो लगा है, ये हो गया उसका, उस दिन का मार्किंग, ये हो गया दूसरा लाइन। उसके बाद सबसे ज्यादा तीसरा लाइन आप कहाँ पे खींचेंगे,
तो तीसरा लाइन आएगा सबसे ज्यादा मार्केट ने रिजेक्शंस कहाँ पे लिए हैं। तो देखो यहाँ पे रिजेक्शन कहाँ पे लिया है, बार 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 मार्केट ने रिजेक्शन कहाँ पे लिया है। देखो यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, ये वाला एक रिजेक्शन, ये मल्टीपल रिजेक्शंस मार्केट ने जहाँ पे लिए हैं ये वाले, आपको वहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। और चौथी जो लाइन है सबसे आखिरी वाली लास्ट, जैसे मार्केट ने रिजेक्शन जहाँ पे लिए थे वैसे आपको देखना है कि मार्केट ने बाउंस कहाँ से लिया था, बार बार बाउंस कहाँ से ले रहा था मार्केट। तो बाउंस जनरली यहाँ पे एक बाउंस है, लेकिन ज़्यादा बाउंस मार्केट ने यहाँ से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मार्किंग कर देनी है हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो ये हो गया हमारा, जैसे आज मार्केट बंद हो गया और हम कल के दिन के लिए, मतलब आज समझो 23 अगस्त है, तो हम 22 अगस्त को ये एंड ऑफ द डे मार्किंग करके रखने वाले हैं, ये 23 अगस्त के लिए, मतलब ये हो गया अभी आज का दिन। तो देखो मार्केट जब खुला, ये वाली जो कैंडल है, मैंने बाकी का पोर्शन ढक दिया है आपको समझाने के लिए, तो ये वाला पहला जो कैंडल है, मार्केट हो गया गैप अप, यहाँ पे खुलने वाला था मार्केट, ठीक है। लेकिन ये जब भी गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, ये आपको देखना है कि ये जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ की है उसके अंदर खुल रहा है या बाहर खुल रहा है, या उसके नीचे खुल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर नीचे या उसके बीच में खुल रहा है। अगर उस ये चारों लाइन के बीचों बीच अगर है तो ठीक है, उसको कोई आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नेक्स्ट डे काम आने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं आज सपोर्ट रेजिस्टेंस ने काम किया कि नहीं किया। देखो कितने बढ़िया तरीके से काम किया, देखो यहाँ पे मार्केट खुला, ये हमने कल ये वाला जो पोर्शन है इस दिन का, ये हमने, मैं इसको मार्क कर देता हूँ पहले, ये जो हमने ड्रॉ किया है ये हमने आज ड्रॉ किया है, ठीक है, सॉरी कल ड्रॉ किया था, ये हमने कल ड्रॉ करके रखा था ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का चार लाइंस, ये आज के लिए। तो आज देखो इसने कितने बढ़िया काम किया है, मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे गया, यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे आया, ये सपोर्ट लाइन के पास आया, इसको हटा ही देता हूँ मैं, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन आया, इसको तोड़ के ऊपर 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 ही चलता गया। तो जब ये डे हाई भी ब्रेक किया मार्केट ने, तो ये कंफर्म हो गया था कि आज मार्केट पूरा बुलिश रहने वाला है। यहाँ पे देखो आया समझ, ये पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में काम करेगा ये। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, समझो गैप अप और गैप डाउन अगर कोई कंडीशन आती है तो क्या करें, है ना। बहुत सारों को मन में आया होगा कि अगर गैप डाउन हुआ तो क्या। तो देखो यहाँ पे जो है मार्केट गैप डाउन खुला है, तो इसके पहले वाले दिन हम चलेंगे चार्ट्स पे, और ये रहा 100 9:15 का पहला कैंडल, ठीक है। ये देखो ये मार्केट ने बनाया था उस दिन का पूरा लो, पूरा हाई, जो सबसे बड़ा ज़्यादा हाईएस्ट हाई बनाया था, उसके बाद जो लो लगा था मार्केट का ये रहा। ये हम कर रहे हैं 17 अगस्त को मार्किंग कर रहे हैं 18 अगस्त के लिए, ठीक है। तो ये हाई लगा था उस दिन और ये लो लगा था, उसके बाद में क्या करना है हमें, जहाँ पे मार्केट ने बार बार रिजेक्शंस लिए, तो ये रहा रिजेक्शन वाला एक पॉइंट, ये हो गई हमारी तीसरी लाइन। और चौथी लाइन ये देखो यार, जहाँ पे मार्केट ने बार बार बाउंस लिया था, तो ये पॉइंट भी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया था, ठीक है, तो हम इसको मार्क करेंगे। ये हो गया 17 अगस्त का हमारा सेटअप रेडी, 18 अगस्त के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखो जैसे मार्केट गैप डाउन खुला, यहाँ पे आके उसने नीचे तो गया लेकिन सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बाउंस किया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, और ये यहाँ पे दिन पूरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो देखो ये पिछले दिन को देख के हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए थे
पूरे दिन उसके अंदर ही मार्केट ट्रेड करता रहा। देखो जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे आया यहाँ पे आपका बाय बनता था, जैसे रेजिस्टेंस पे आया यहाँ पे आपका सेल बनता था। ये गैप डाउन की कंडीशन में भी काम करता है, लेकिन गैप डाउन जो भी जो गैप डाउन हुआ था वो कहाँ पे हो रहा था, हमारे सपोर्ट के पास हुआ था, उसके नीचे गया लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, ऊपर क्लोजिंग दिया। तो ये एकदम अच्छे तरीके से काम करता है, आप कोई भी बना सकता है ये, इसके लिए लोग बहुत पैसे चार्ज करते हैं। अभी ये देखो ये जो कंडीशन था, कोई बोलेगा ये हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हैं पहले दिन के, उसके नीचे अगर खुल गया तो क्या, या आखिर आया तो उसके बाद में हमारे इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही आया था इस दिन के लिए, तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये वाला कंडीशन जो है, आप सोचो कि भाई अभी ये तो पूरा समझो हमने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर बना दिए होते, 9:15 का कैंडल है, इस दिन हमें ट्रेड करना है तो हम इस दिन उसके पहले वाले दिन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। लेकिन अभी ये कंडीशन जो आपको दिख रही है, मैं इसके लिए भी बताऊंगा आपको क्या करना है। ये जो है कि हमने जो समझो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करके रखे है, लेकिन अगर मार्केट उसके नीचे खुल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे फाइंड करेंगे, सपोर्ट कहाँ लेगा या रेजिस्टेंस कहाँ पे लेगा। ठीक है, ये हमने समझो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे, लेकिन मार्केट खुल रहा है नीचे, तो अब क्या करेंगे। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान है, एकदम इजी मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका भी मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे क्या करना है। तो चलो अभी ये जो ड्रॉ करके रखे थे हमने, इसको आपको क्या करना है, इसको पहले करना है आपको डिलीट सबसे पहले, और मार्केट खुल रहा है यहाँ पे तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। मार्केट समझो प्री मार्केट में आपको प्राइस पता चल जाता है यहाँ पे खुल रहा है, तो आपको करना सिंपल करना है क्या, पीछे आना है, ये लाइन आपने हमने ड्रॉ कर दी ये जानने के लिए कि उसके पहले वाला जो दिन है जहाँ पे मार्केट था वहाँ पे क्या हुआ। ये बस आपको 5 मिनट का चार्ट लेना है, जो भी हो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो चाहे फिन निफ्टी हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करते हो सबके लिए सेम मेथड रहेगा, सेम कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। अभी देखो ये जो हमने पीछे जिस दिन मार्केट खुल रहा है गैप डाउन, उस दिन के लिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, तो कैसे करेंगे। अभी देखो यहाँ पे मार्केट खुला था, अभी यहाँ पे हमारा मार्केट खुल रहा है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके जस्ट नीचे जो दिन शुरू हुआ था यहाँ पे, तो आपको आना है यहाँ पे, ये गैप डाउन के लिए बोल रहा हूँ, वैसे ये गैप अप के लिए भी होगा, एकदम सिंपल सा मेथड है। तो आपको ड्रॉ करना है उस दिन का लो, ये हो गया पहला वाला हमारा लाइन, ये हो गया डे हाई कहाँ पे, ये हो गया, इसको हम अभी डिलीट कर देंगे। ठीक है, हमें कहाँ देखना है वो पता चल गया, बस वो देखने के लिए हमने वो लाइन ड्रॉ की थी कि वो हमें कहाँ पे मिलने वाला है वो दिन। तो ये दो लाइन हमारी हो गई, उसके बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया, ये हो गए हमारी लाइन नंबर 3, और ये हो गई हमारी लाइन नंबर 4 जहाँ पे मार्केट ने बाउंस लिया था। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिए किस दिन के लिए, जस्ट जैसे हमारा गैप डाउन हो रहा है उस दिन के लिए। तो अभी देखो जादू, देखो कहाँ पे गया वो, ये आ गया, देखो ये गैप डाउन खुला था, इतना बड़ा गैप डाउन खुला था, पता नहीं चलता है अभी पीछे तो कुछ है नहीं डाटा कि भाई अभी गैप डाउन खुल रहा है तो नीचे कितना जाएगा, ये सपोर्ट कहाँ पे लेगा या बाउंस कहाँ पे होगा। तो ये जानने का ये एकदम सीक्रेट मेथड है, सिंपल सा, जो आप लोग चौंक जाते हैं ना, कोई ट्रेडर अगर देगा कॉल देगा पुट देगा भाई मार्केट को तो गैप डाउन खुला है, ये वाला ये यहाँ से कॉल क्यों दे रहा है, अभी यहाँ से तो और नीचे जाएगा, कोई सपोर्ट नहीं है नीचे, ये सब एकदम सिंपल सी बातें हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, इसके लिए आप चौंक जाते हो कि ऐसा क्यों हुआ, इसने यहाँ पे कॉल क्यों दिया, किसी ने यहाँ पे पुट क्यों दिया, इनको कैसे पता है यार ये सपोर्ट है यहाँ पे सपोर्ट बनने वाला है या यहाँ से बाउंस होने वाला है। बस सिंपल सी टेक्निक है, एकदम सिंपल टेक्निक है जो आप जानना आपको ज़रूरी है।
कोई साइंस नहीं है, बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखो पता चल गया आपको कितना आसान है ना। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, उसके बाद में ऊपर चलता गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस खा के नीचे आया, फिर से बाउंस किया, फिर यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ पे टाइप पास किया, उसके बाद में ब्रेकआउट दिया। ये तो दूसरे दिन का है शायद। उसके बाद देखो उसके दूसरे दिन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ने कितना अच्छा काम किया। देखो ये कुछ नहीं, आपको बैक डाटा देख के उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको ड्रा करना है। तो अभी ये बैंक निफ्टी का हो गया, चलो हम निफ्टी पे देखते हैं। क्या निफ्टी में काम करता है? बिल्कुल करता है, सब में काम करेगा, सब में। ये देखो ये आज का दिन है, ये लाइव मार्केट चल रहा है अभी। देखो यहाँ पे देखो लाइव मार्केट चल रहा है आज का, 23 अगस्त का। तो चलो इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं, ये काम करता है कि नहीं देखते हैं हम। ये देखो मैंने ढंग दिया, आज का दिन पूरा मैंने ढंग दिया है। ये मेरा प्रीमियम वर्जन नहीं है, इसके लिए मेरे पास रिप्ले का कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखो कल क्या हुआ, ये हाई लगा, ये लो लगा, ठीक है, दो लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। ये आ गई हमारी तीसरी लाइन, जहाँ पे मार्केट ने बार 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 बाउंस किया था, ये हो गई तीसरी। और जहाँ पे मार्केट ने देखो रिजेक्शंस कहाँ पे लिए, देखो यहाँ पे रिजेक्शंस लिए ना, यहाँ पे रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ठीक है, ये हो गया हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस तैयार आज के दिन के लिए। ये हमने ड्रॉ किए समझो 22 अगस्त को, 23 अगस्त के लिए ट्रेडिंग करने के लिए इंट्राडे में, ठीक है। तो देखो अभी मार्केट कहाँ पे खुला, गैप अप खुला, यहाँ से कहाँ पे खुला था गैप अप, हमारे रेजिस्टेंस की तरफ। यहाँ पे आपको ट्रेड कर सकते थे पहले कैंडल पे, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा पहले 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करना, मार्केट को पहले सेटल होने देना है फिर आपको ट्रेड करना है। 10 साढ़े 10 बजे तक मार्केट सेटल हो जाता है, पहले कैंडल दूसरा कैंडल बहुत वोलाटाइल होता है, इसके लिए ट्रेड नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आप कर पाएंगे। तो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस आज के दिन कैसे काम किया, कितना बढ़िया तरीके से काम करता है। देखो ये हर एक चीज़ में काम करेगा, स्टॉक्स हो चाहे इंडाइसिस हो, निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सेंसेक्स, देखो कितना बढ़िया सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, कितना आसान है। ऐसे हम इसको गैप अप गैप डाउन की कंडीशन में भी देखेंगे। देखो यहाँ पे कौन सा दिन है, 18 अगस्त है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट खुलने वाला था नीचे गैप डाउन, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, यहाँ पे भाई गैप डाउन खुल रहा है, मार्केट यहाँ पे खुलने वाला है प्री मार्केट में, जैसे आपको पता चलता है। तो आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है ये देखने के लिए पीछे कौन से दिन में उसने ट्रेड किया था, ठीक है। एक तो यहाँ पे मिल गया लेकिन ये गैप डाउन होके ऊपर ही गया, तो हमें ये काम में नहीं आने वाला है ज़्यादा, तो हम पीछे चलेंगे। तो आपको जाना है पीछे, जब तक आपको पूरा ट्रेडिंग सेशन नहीं मिलता है उस दिन का, उस लेवल के नीचे, जब तक आपको पीछे जाना है। देखो देखो आपको मैंने सिंपल एक ही लाइन ड्रॉ किया है, देखो कैसे सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे मार्केट, देखो यहाँ पे कैसे सपोर्ट लेके ऊपर आया है, अब मिल गया ये दिन। देखो इस दिन का हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मार्क करना है 18 अगस्त के लिए। आज ये कौन सा है, 3 जुलाई, अभी इसको हम करेंगे डिलीट और मार्क करेंगे इस दिन के हाई लो, और वो जो दो लाइन है टोटल मिला के 4 लाइन, सिंपल एकदम सिंपल। ये देखो हाई लो मार्क कर दिया, उसके बाद में रिजेक्शंस कहाँ लिए मार्केट ने सबसे ज़्यादा, यहाँ पे, और चौथी लाइन आएगी कहाँ पे मार्केट ने बाउंस किया। ये हो गए हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से दिन के लिए, 18 अगस्त के लिए। हमने मार्किंग कौन से दिन के लिए, कौन से दिन किया, मंडे जुलाई 3, जुलाई 3 के दिन को हमने मार्किंग किया है, किस दिन ट्रेड करने के लिए,
18 अगस्त के लिए। ठीक है, तो चलो 18 अगस्त देखते हैं अभी क्या कंडीशन है। ये देखो तुम्हारा 18 अगस्त, देखो काम किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ने काम किया कि नहीं किया। जैसे मार्केट गैप डाउन खुला, ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, यहाँ पे आया रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, यहाँ पे आया ब्रेकआउट दिया सस्टेन किया, ऊपर ट्रेड किया, फिर ब्रेक डाउन करके फिर ब्रेकआउट दिया। देखो कितना बढ़िया है, एकदम सिंपल सा मेथड है। अभी ये आप भी कर सकते हो, कोई ये जैसे गैप डाउन के लिए किया मैंने, वैसे आप गैप अप के लिए भी कर सकते हो, सेम वाइस वर्सा आपको करना है। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है, बस इसके लिए भी लोग पैसा चार्ज कर रहे हैं। मुझे लगा ये आपको सिखाना चाहिए, इसको सीखने के लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो गैप अप है, इसको भी आप ऐसे मार्क करके पीछे जाके आप देख सकते हो कि कौन से दिन हमें मार्किंग करनी है इस दिन के लिए ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब लाइक और शेयर का बटन नहीं प्रेस किया है तो कर दो, सपोर्ट करो। तो मैं ऐसे ही फ्री वाले कंटेंट्स, जो प्रीमियम कंटेंट्स है, ये मैं कंटेंट बनाता रहूँगा, वो भी फ्री में। ये सब एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको जनरली यूट्यूब पे कहीं पे मिलेगा नहीं। आप ढूंढो, चाहे तो ढूंढने की कोशिश करो, देखो मिलता है क्या, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये बातें जो है कोई चाहता नहीं। आप नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो है उनको पता चले, तो ये सिंपल सा तरीका है, एकदम इजी वे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। आपको तो बहुत सारे लोग बताएंगे कॉम्प्लिकेट करके, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करना है, ये ट्रेंड लाइन आएगा यहाँ पे, सपोर्ट लेगा यहाँ पे, बाउंस करेगा, या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पूरा। ये एकदम सिंपल सा तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, शेयर करो, कमेंट्स करो। तो ऐसे वीडियोस में बनाता रहूँगा आप सबके लिए, आपको सपोर्ट, आपका सपोर्ट अगर मिलेगा, ऐसे प्यार मिलता रहेगा। देखो मैंने जो कल परसों के लिए जो वीडियोस डाले हैं ना, उसको व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, लाइक कमेंट नहीं आ रहे उसमें। तो करो यार, सपोर्ट करो थोड़ा सा, तो मैं ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स आपके लिए बनाता रहूँगा। जय, मिलते हैं अगले वीडियो में।